बस आज मैं आप लोग को लेके जाऊंगा। मेरा पानी तो बांधवी एरिया में वहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हम लोग फुटल्स से वहाँ जो एरिया है वो देखने के लिए कैसा बढ़िया है। ये टेलीफू है फुटल्स एरिया का, और ये पहाड़ जो है एरिया किस एरिया कितना सुंदर नज़ारा है, ये आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है देखने के लिए। शिलोंग और सेरापुंजी जैसे अरुणाचल प्रदेश का रास्ता से ये नागालैंड है, और ये देखने के लिए कितना बढ़िया एरिया है आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको इस रास्ता से ओखा डिस्ट्रिक्ट ओखा कोहिमा जा सकते हैं, वो बढ़िया रूट है। लैपटॉप रास्ता खराब नहीं है, अच्छा से इस रास्ते से जा सकते हैं। ज़्यादा उसमें मछली भी मिलता है उस डैम में, और बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है यहाँ से करेंट का पूरा सप्लाई होता है। इस रूट से जाने से सबसे बढ़िया रूट है। आइए आप लोग देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग को यहाँ में अरुणाचल जाने का ज़रूरत नहीं है, दार्जिलिंग शिलोंग जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही हम लोग के यहाँ पास ही नागालैंड में ये बहुत बढ़िया एरिया है। आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया, ज़्यादा आप एरिया भी नहीं है प्लेन जिसे लेंगे रास्ता में गाड़ी वगैरह सभी मिलने का बहुत बढ़िया रास्ता है। लेकिन आप तो है और यहाँ से असम का नज़र बहुत बढ़िया लगता है। आइए आप सबसे हम लोग का असम का नज़दीक नागालैंड, और नागालैंड में आप लोग घूमने आइए, बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर शिलोंग की वजह से दाम भी ज़्यादा नहीं है, पानी का दाम 10 रुपये से 10 रुपये का जो पानी होता है 20 रुपये करके बेचते हैं, यहाँ इतना ज़्यादा रेट नहीं लगाते हैं। और जितना आदमी जाता है उतना ज़्यादा पैसा लगता है शिलोंग में, हम भी किया है कि ये इस रोड हर एरिया सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस का नहीं है, लेकिन स्टेट का नाम ही डिफरेंस है। आइए देखिए यहाँ का नज़ारा पूरा हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये पहाड़ देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा अंधार है,
हम लोग लिया है ये सब्जी, ये मिर्च है, बैंगन है और बहुत कुछ है। गाड़ी अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, सब लाइट जला के आ रहा है गाड़ी सब। हम लोग अभी आसाम जा रहे हैं, आसाम के नागालैंड में आसाम जा रहे हैं। भंडारी वैलेस है, सॉरी नागा आ गया, ये भंडारी वैलेस है। यहाँ से मतलब जाना पड़ता है, रास्ता बहुत ख़राब है, ये आप लोग रास्ता तो देख सकता है। ये दोनों पैदल पैदल आ रहा है, बाइक नहीं है बस। भाई थोड़ा धीरे से जाना, हाँ हाथ से मेरा दोस्त पूछ रहा है, उसके पास जाएगी। ये जा रहा है मेरा दोस्त, नहीं है तो पूरा दिन जैसा हो रहा है। यहाँ बाहर की लड़की को बोलता है नागिनी, ये जा रहा है झाड़ू, ये सब। आस्ते आस्ते जा रहा है, ये लड़की तो थोड़ा हंसा था, आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए तो कोई बात नहीं।
ऐसा है। यहाँ पे रिंग में भी लाइट जलाना पड़ता है, क्या करेगा। और एक बात आपको, आप लोगों को बताना है, यहाँ में नागालैंड में डिजिटल मीटर नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे जितना भी आप बाइक चलाइए, कुछ भी कीजिए, अगर ए सी चलाता है तो 500-550 रुपया आएगा, अगर लाइट चलाता है तो बिना ए सी का 400 रुपये लगेगा। हम बता दे रहे हैं, ब्रेकर है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ में आएगा तो कुछ लेके आइए कहाँ। यहाँ में मतलब होटल नहीं है, ये है भंडारी। तेज तूफान आया था तो ये केला का पेड़ मतलब यहाँ पे टूट गया है। इधर में ये साइड में देख सकते हैं आप, पूरा मतलब 2 दिन लाइट नहीं था इसके वजह से। तो ये देखिए आपका, ये पूरा गिरा हुआ है हवा, तेज हवा के वजह से। ये कभी घूमने के लिए इधर, ठंडा ठंडा हवा खाइए। आपका बैग है यहाँ पे, मेरा दोस्त का बैग पूछ रहा है कहाँ है, ये देखिए कहाँ में लगा कर लाया है इसको। मेरा झोला तो इधर में है पूरा। और यहाँ पे मतलब एक तो नागालैंड चेक पोस्ट है, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए नहीं देता है, इसलिए हम मोबाइल पूरा छुपा के लेके जाएगा, जितना हो सके दिखाने के लिए कोशिश करेगा आप लोगों को। यहाँ में चेक पोस्ट आ गया, थोड़ा सा दूर है। चेकपोस्ट आ गया, हम मोबाइल ऑफ करेगा थोड़ा देर के लिए। ये देखिए अभी हम आ गया है यहाँ में। एक तो बात बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ में पूरा चेरापुंजी शिलोंग का पूरा मतलब यहाँ में उपभोग होगा आप लोगों को। यहाँ में थोड़ा थोड़ा यहाँ में बारिश भी आ रहा है। और हम, मेरा दोस्त देखो कैसे गाड़ी चला रहा है, बाइक भीज गया है पूरा आगे से, आप लोगों को दिखाने के लिए हम कोशिश करेगा। और ये पूरा तो पहाड़ में ज़्यादा बारिश भी नहीं लगा है, हम लोगों को भीगा नहीं है इतना,
क्योंकि यहाँ में पेड़ ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा है। पूरा बारिश आ गया, आप लोगों को हम दिखाएगा साहब, इसी के लिए हम भी मोबाइल निकाल के रखा हुआ है। मेरा दोस्त हंस रहा है अभी बारिश के वजह से। गुटका बोलता है ना, तामूल तामूल, यहाँ में तामूल का पेड़ है। मेरा दोस्त बोल रहा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ये है नागालैंड का, यहाँ में फोटो अच्छा था, फोटो मारे रास्ता पूरा खराब है। ये आपका देख सकते हैं आप लोग, पूरा घर कटा हुआ है आदमी लोगों को, ये पूरा रास्ता खराब है। हम ने मेरे हिसाब से तो बहुत तेज बारिश किया होगा, इसलिए जितना नीचे हम लोग जा रहा है उतना ही तेज बारिश हो रहा है। मोबाइल तो मेरा वाटर प्रूफ है, कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी अच्छा है लेकिन बनाया था वो बीच बीच में बारिश की वजह से टूट गया है, क्या बताया आप लोगों को। ये हम लोग पहुंचने वाला है आसाम, बारिश ही नहीं था। ये आसाम आ गया, वो बीओसी है आगे में, यहाँ पर पूरा बारिश करते हुए क्या बताए, यही है आसाम। वो बीओसी है, तेल भरा सकेगा आप लोग आने से। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, आसाम पहुँच गया हम लोग।